सोलन के प्रवेश द्वार परमाणु में पिछले कल लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति ई पास लेकर हिमाचल में प्रवेश कर सकता है। उसे आरटीपीसीआर जैसी कोई औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। परमाणु पुलिस को भी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा गाड़ियां हिमाचल का रुख करेंगी। यही वजह है कि वहां तैनात पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। अगर वहां सभी वाहनों को ई पास चेक करें तो जाम बढ़ता जाएगा, और अगर चेक ना करें तो नौकरी की बात आती है। यही वजह है कि परमाणु में जाम बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय के बाद पर्यटक जो घरों में कैद थे, उन्होंने हिमाचल को सुरक्षित समझकर यहां का रुख किया है, क्योंकि यहां कोरोना के मामले बेहद कम हो चुके हैं। ऐसे में हिमाचलवासी बेहद घबराए हुए हैं कि कहीं इस व्यवस्था से कोरोना संक्रमण फिर से हिमाचल में ना फैल जाए। लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए होटल व्यवसायियों ने आग्रह मुख्यमंत्री से किया था, और इस व्यवस्था से कितनी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी और कोरोना की भविष्य में क्या स्थिति होगी, इसका खुलासा अब कुछ दिनों बाद ही हो सकता है। लेकिन हिमाचलवासी हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं।